होप आर यू फाइन। आज हम स्टैंडर्ड टू में गुजराती सब्जेक्ट में ब भ और म सीखने वाले हैं। उनके आगे हमने क्या सीखा था? न प और फ। कौन से शब्द सीखे थे? न प और फ। तो आज से हम ब भ और म सीखने वाले हैं। तो ब का स्पेलिंग क्या है बच्चों? बी ए। क्या है ब का स्पेलिंग? बी ए। फिर भ, तो भ का स्पेलिंग बी एच ए। क्या बच्चों? भ का स्पेलिंग बी एच ए। फिर बात भी है म, तो म का स्पेलिंग एम ए। क्या है म का स्पेलिंग? एम ए। तो के हम ब से शुरुआत करते हैं, तो ब का स्पेलिंग है बी ए। तो ब किस तरह लिखा जाता है बच्चों? पहले हमें सी करना है, सी किया, फिर सी को ऊपर मोड़ना है, तो क्या हो गया? जी जैसा। यहाँ से लाए, यहाँ से ऊपर मोड़ा और यहाँ एक लंबी लाइन खींचनी है, तो आधा ब हुआ। पूरा ब बनाने के लिए हमें इस तरह से इस तरह करना है। तो हमारा ब है वो बतख का ब। कौन सा बतख का ब है? वो बन जाएगा बच्चों। इसी तरह आपको करके अपनी रफ बुक में ब की प्रैक्टिस करनी है। यदि नहीं आता है तो आप अपने जो मम्मी पापा घर पे हैं उनसे पूछ सकते हो। तो इसी तरह अपनी जो रफ बुक है उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है ब। फिर उनके बाद आता है भ। भ यानी भूकंप, भ यानी भमेड़ा। उनका स्पेलिंग है बी एच ए। कौन सा बच्चों? बी एच ए। तो भ बनाने के लिए उनमें भी हमें सी बनाना है। बनाया सी, तो ये सी कहाँ से? यहाँ से मोड़ लिया इस तरह अंदर, ओके। फिर ये सी बना के यहाँ से मोड़ लिया और यहाँ हो गया। पूरा भ बनाने के लिए यहाँ से लंबी लाइन खींचनी है, तो हमारा जो भ है वो बन जाता है। देखो बच्चों, इस तरह से, इस तरह, इस तरह हो गया। फिर से बना रही हूँ, देखना आप किस तरह मैं बना रही हूँ। ये भ है, ये पूरा इस तरह लाना है, तो हमारा भ है भमरे का, वो बन जाएगा, ओके। तो ये ब हो गया, हमारा ब भी बन गया और हमारा ब भी बन गया। उनके बाद आता है म, तो म का स्पेलिंग होगा एम ए। क्या बच्चों? म का स्पेलिंग है एम ए। म बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहले यहाँ से लाइन खींचनी है, ये लाइन यहाँ नीचे लानी है, फिर यहाँ गोल बनाना है। बनाया, फिर लाइन खींची, फिर यहाँ से नीचे लाइन लाया, गोल बनाया, और गोल बनने के बाद ये लाइन यहाँ से थोड़ी यहाँ लानी है, तो हमारा आधा म बनता है। पूरा म बनाने के लिए ये लाइन यहाँ खींची, ये यहाँ लाया, गोल बनाया और यहाँ से पूरी लाइन खींची, तो हमारा पूरा मिर्ची का म बन जाता है। तो इसी तरह हमें म बनाना है बच्चों। देखो, आप देख रहे हो मैं किस तरह बना रही हूँ। तो इसी तरह आपको अपनी जो बुक है गुजराती की, यानी कि रफ बुक, उनमें ये काम यानी कि वर्क है वो करना है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको ब भ और म तीनों शब्द बनाने आ जाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। कौन से? ये तीनों शब्द आपको अपनी रफ बुक में बनाने हैं, ब भ और म, ओके। तो अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। आपको पिक्चर दिखना अच्छा लगता है ना, तो वो पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि ब किसे कहते हैं, ब भ किसे कहते हैं और म किसे कहते हैं। ब यानी बतख, ब किस तरह होता है? इस तरह होता है, देखो बच्चों, ब। फिर बस, फिर है भ, तो भ यानी भूकंप, भ यानी भय। उनके बाद आता है म, तो म यानी मिर्ची, म यानी मगर। देखा ना बच्चों, म। तो आज हमने तीनों शब्द सीखे, ब भ और म। अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे के शब्द सीखेंगे। तब तक धन्यवाद, आभार।